धन्यवाद। ज्ञानदेव आहूजा जी, एक मामला सामने आया जिसमें कई लोगों पर आरोप लगा धन परिवर्तन कराने का। सर, इस मामले को लेकर किस तरह से अब आपकी तरफ से आपका रुख है, और इस मामले पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है? ऐसा है कि लव जिहाद जैसे मैटर जो वल्लभगढ़ में निकिता की हत्या हुई है, पहले तो मैं उससे बोलूंगा, हरियाणा में ये श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी दौड़ दौड़ करके हाथरस गए थे। अब एक कांग्रेसी परिवार ने लव जिहाद के मैटर को लेकर निकिता की सरेआम हत्या की है, इस पर क्यों नहीं दौड़ के आ रहे? इनको शर्म नहीं आती राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को? क्या आप अल्पसंख्यकों के सीधे, अगर मैं कहूँ मुसलमानों को वोट लेने के लिए, इतने गिर जाते हैं कि सरेआम हत्या हुई उसकी आलोचना करना भी आपने उचित नहीं समझा? ऐसे कई मैटर हैं देश में जो लव जिहाद के और धर्म परिवर्तन के हैं। मेरे अलवर जिले में बयाड़ी गांव, बड़ौदा मेव कस्बे के पास में, अलवर जिले में मेरा विधानसभा क्षेत्र रहा रामगढ़, वहां पर एक प्रेमचंद जाटव, तनाव कोड़ाराम जाटव ने बाकायदा कोर्ट में इस्तगासा किया है, एससी कोर्ट में इस्तगासा किया है कि वो हरियाणा के इब्राहिम बास फिरोजपुर के पास हरियाणा में अपने रिश्तेदारों के यहां मिलने गया, वहां जोर जबरदस्ती मौलानाओं ने, कठमुल्लाओं ने, मौलवियों ने, इमामों ने, और उसको जबरदस्ती खतना किया, डो बुलाने दिया और मुसलमान बना दिया, इस्लाम को धर्म परिवर्तन किया, जोर जबरदस्ती किया। ज्ञानदेव जी देखिए, एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या आज के समय में भी कोई जोर जबरदस्ती करके इस तरह से किसी के साथ कर सकता है? क्यों इसके लिए लोग आवाज नहीं उठाते हैं उस समय पर, बाद में ऐसी बातें क्यों सामने आती हैं? देखिए, उसने इस्तगासा किया है, मैं अपने शब्दों को कोर्ट के माध्यम से निवेदन करना रहा हूँ, उसने इस्तगासा किया है, उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, उसने एसटीएससी कोर्ट में अलवर में इस्तगासा किया है। अब ये इस्तगासा किया है तो पुलिस कार्रवाई करे, और जबरन हुई है, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनका आर्टिकल संविधान का 25, 26, 27 में कोई धर्म की अपनी पालना करता करे, लेकिन धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्ती होता है तो उसके खिलाफ पुलिस को प्रसंज्ञान लेके प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अलवर जिले का मैटर है और हमारे गांव है भयाड़ी और बड़ौदा मेव के पास, वहां का मैटर है, तो इसलिए मेरा आज उस पर बोलना बहुत सख्ती से रहा और बोल रहा हूँ कि इस संबंध में इस्तगासा कोर्ट का थाने में कार्रवाई, और अलवर के जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर के जिला कलेक्टर महोदय दोनों कार्रवाई करें, राजस्थान सरकार को कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करे, साथ में जिन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया, संप्रदाय परिवर्तन करवाया, इस्लाम कबूल करवाया, उन लोगों के खिलाफ हरियाणा में गिरफ्तारी हो, और यहाँ पर उनके कोई साथी संगी कठमुल्ला हो तो उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई करने की, गिरफ्तारी करनी चाहिए, और अगर नहीं की तो यहाँ का हिंदू मैं जोड़ तुम मिलाकर के बनता हम का मतलब सारे हिंदू, और मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से और संपूर्ण हिंदुओं की ओर से एक भारी आंदोलन होगा, और उसमें जैसा संघर्ष होगा उसका मुकाबला हम करेंगे। राजस्थान सरकार को, जिला प्रशासन, एसपी और कलेक्टर को इस संबंध में कार्रवाई करना, और एक सप्ताह का समय मैं दे रहा हूँ, आज मैंने और भी चैनलों में बोला है, और मेवात में आग लग गई है, चाहे हरियाणा का मेवात चाहे राजस्थान का भरतपुर अलवर का मेवात, हरियाणा में क्या हो रहा है वो तो हम राजस्थान वहाँ की सरकार को कहेंगे, हरियाणा का मैटर जैसा चला है, सारे आप लोग चैनल बोल रहे हैं और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, 103 गांव हिंदू विहीन हो गए हैं, एक भी हिंदू नहीं है, और 78 गांव में 3-4 घर हिंदू है, हिंदुओं का शोषण हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदें बनाई जा रही है। ठीक है, कुल मिलाकर ज्ञानदेव जी, हम ये माने कि इस मुद्दे को लेकर आप पूरी तरीके से मुखर हैं और इस मुद्दे को मुखरता से उठाएंगे भी जब तक इस पर एक्शन नहीं होगा। मैं हमेशा मुखर रहा विवाद में, मैं एमएलए रहा लगातार, हमेशा गोरक्षा, हिंदू रक्षा के लिए मुखर रहा, और यह आपको पूरी जानकारी है कि जमाते तबलीग का जन्म स्थल यही है, जन्म यही है, और विवाद में पूरे देश में इस समय अगर कहीं